हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक रोहित 9060 में। दोस्तों आज का टॉपिक है, अगर आपको भी घर बैठे ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलना है तो कौन सी बैंक अकाउंट, कौन सी अकाउंट में बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। सो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ जो आपको गाइस फेडरल बैंक में अकाउंट जरूर खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल निःशुल्क चार्जेस है, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं। आपको एक डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा फेडरल बैंक की तरफ से, उसका भी कोई एनुअल चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों आज कैसे अकाउंट खोलेंगे इस वीडियो में पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। सो दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दे। सो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेंगे, और आधार कार्ड वो जिस नंबर से आपका लिंक है उस मोबाइल नंबर में रिचार्ज भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे UPI पिन बनेगा। तो अगर आपका उस नंबर में रिचार्ज है तो आप लोग बिल्कुल इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है। सो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। फाइनली गाइज आपको करना क्या होगा, जो प्ले स्टोर में जा कर के फाइव मनी स्मार्टर बैंकिंग डाउनलोड कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद गाइज देख सकते हैं मेरा इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने तक वेट करते हैं। आप लोग भी इस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद गाइज ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद गाइज देख सकते हैं साइनअप का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करेंगे सिंपली से। तो साइनअप पर क्लिक करने के बाद गाइज थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका मांगा जाएगा। फ़ोन नंबर वही दीजिएगा जिससे आधार लिंक हो। गाइज वो फ़ोन नंबर देने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। तो OTP वेरिफिकेशन होने तक वेट करेंगे। गाइज देख सकते हैं OTP वेरीफाइड हो गया। उसके बाद गाइज ओके गो गो इट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो डाल लें सिंपली से। तो ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे गाइज। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद आपका नाम डालना होगा, लीगल नेम, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट लगेगा, वेट कर लेंगे गाइज क्योंकि प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे फाइनाइट कोड जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फाइनाइट कोड वो डालिएगा, तभी जा करके आपको कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग फाइनाइट कोड डाल करके ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज थोड़ा देर वेट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे सैलरीड, अगर आप सैलरीड हैं कहीं जॉब करते हैं तो सैलरीड करके उसके बाद जहाँ जो भी कंपनी में वो डाल करके अपना एनुअल इनकम इस तरह सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक करके कन्फर्म कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको पेन नंबर अपना डालना है। तो पेन नंबर इस तरह से आपको भी डाल लेना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये दोनों फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यूज आधार डिटेल्स टू ओपन एन अकाउंट, तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे यूज करना होगा। तो आधार नंबर आप अपना यहाँ पे डाल ले सिंपली से, डाल के उसके बाद गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, प्रोसेसिंग ले रहा है। तो गाइस इस तरह से आप लोग भी वेट कर लीजिएगा, और गाइस फाइनाइट कोड को तो ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो रेफरल का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे आप लोग। उसके बाद गाइस यहाँ पे OTP आएगा, फाइनली OTP आएगा, उसको हम लोग वेट करेंगे OTP डाल करके। उसके बाद गाइस थोड़ा देर वेट करेंगे, इस तरह से वेट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद गाइस देख सकते हैं यू आर इन ए मिलियन। उसके बाद गाइस यहाँ पे फेस आपका वेरिफिकेशन होगा, एक सर्कल आएगा उसके अंदर आपका फेस होना चाहिए, और वहाँ पे चार लेटर दिया जाएगा, उसको एक एक करके बोलना होगा। उसको बोलने के बाद गाइस आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होकर उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो गाइस इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद गाइस आपको थोड़ा देर वेट करना है, इस तरह से आपको गाइज इस तरह से थोड़ा देर वेट करना है। तो फिनिश लाइन तक वेट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करके आपका सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, तो सारा चीज़ कंप्लीट होने तक
देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट हो गया है। और आपको बस सिंपली से करना क्या है, जो 30 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर से आपको एप्लीकेशन को, फाई एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो ओपन करेंगे गाइज इस तरह से, तो थोड़ा और एक बात और है गाइज, आप लोग ये सारा चीज़ होने के बाद देख सकते हैं गाइज, ये ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर डेबिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको एटीएम पिन सेट करना है, क्योंकि वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया है तो उसका एटीएम पिन सेट करना है। तो इस तरह से आप अपना एटीएम पिन सेट कर ले, री इंटर एटीएम पिन भी कर ले, उसके बाद क्लिक कर लें। उसके बाद थोड़ा देर वेट करेंगे, क्योंकि एटीएम पिन जनरेट हो गया है गाइज। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली से 3 या 4 हज़ार रुपया ऐड कर लेना है, और सिक्योर है गाइज, आप लोग फेडरल बैंक में अकाउंट खोले हैं, जैसा कि जानते होंगे फेडरल बैंक आरबीआई से। सो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ इस अकाउंट के केवाईसी के ऊपर, सो कैसे आपको केवाईसी करना है। और गाइस नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ गाइस, जो आप लोग अपने डेबिट कार्ड को कैसे एक्टिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका अभी डेबिट कार्ड अप्लाई हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि वो 10 से 15 दिन के अंदर आपका परमानेंट एड्रेस पे पहुंच जाएगा। उसके बाद गाइज उसको कैसे एक्टिवेट करना है उसका भी वीडियो मैं लाऊंगा। सो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और गाइज बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से इंफॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।